यही सर जी, अगर वीट की बात की जाए तो फूड सेक्रेटरी ने भी कह दिया है कि जिस हिसाब से भारत वीट का एक्सपोर्ट कर रहा है वो अनियंत्रित है। फैसला इम्बैलेंस देखने को भी मिल सकता है आगे जाके, कहीं ऐसा ना हो कि भारत को ही आगे इंपोर्ट करना पड़ जाए उनका ऊंचे दामों पर। तो ऐसे में अभी वीट के प्राइसेस क्या तेजी की ओर ही जाते रहेंगे? देखिए वीट में अगर देखें तो पिछले दो तीन सालों का हमारा बफर स्टॉक काफी अच्छा था और जिसके चलते ही गवर्नमेंट ने इस बार एक्सपोर्ट का डिसीजन लिया और हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट तो कम रहे हैं और ओपन मार्केट में या ट्रेडर्स अच्छे भाव में फार्मर्स को भी अच्छा भाव मिल रहा है जी। तो हमें लगता है कि नो डाउट ये चिंता इसलिए भी होती है कि दो चीज है, इस बार का हमारा प्रोडक्शन, सेकेंडली जो हीट वेव है इसकी वजह से हमने देखा कि वीट की यील्ड में भी ड्रॉप आना चालू हो चुका है। तो आई थिंक कभी भी जो फूड क्राइसिस होता है ग्लोबल मार्केट के अंदर तो वो कोई ओवरनाइट सिनेरियो नहीं बनता है, उसका एक लंबा इफेक्ट रहता है। तो हमने 2007-08 में भी देखा जब 2 से 3 साल तक ऐसा इफेक्ट रहा, तो उन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये चिंता जताई गई है और वाजिब भी है क्योंकि आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बट अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन में काफी कमी आ गई हो। तो आई थिंक थोड़ा सा चौकन्ना रहना जरूरी है बट हाँ गवर्नमेंट चेक एंड मैच दोनों करके चल रही है। मुझे लगता है कि एक बार वीट के प्राइसेस पे जिस दिन से एक्सपोर्ट खुले हैं और डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रही है, चाहे मिस्र से बोले, बांग्लादेश बोले या बाकी कंट्रीज से बोले, तो मुझे लगता है कि वीट के प्राइसेस में अभी भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा जी।